हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम आपके लिए राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण RSM, SSP और RPSC की विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न लेकर आए हैं, जिनमें राजस्थान GK से पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। आइए दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये पेपर CET, इसका कोड 131 सी ग्रेजुएशन लेवल का है, जो 8 जनवरी 2023 को आयोजित कराएगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासत राज्य से सम्मिलित नहीं है? मीठा लाल व्यास जैसलमेर, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा, किशन लाल जोशी भरतपुर, पंडित हरि नारायण शर्मा अलवर। ऑप्शन बी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा। नीचे दिए गए दो कथन, जिसमें एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। कारण आर, यह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन डी, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह या डूंगर सिंह? ऑप्शन ए, सरदार सिंह। किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? रमा देवी, उत्तमा देवी, किशोरी देवी या दुर्गा देवी? ऑप्शन सी, किशोरी देवी। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? टीकाराम पालीवाल, किशन लाल जोशी, मंगल सिंह शर्मा या शोभाराम? ऑप्शन बी, किशन लाल जोशी। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? रणछोड़ गट्टानी, आनंद राज सुराणा, भंवर लाल शर्मा या बाल मुकुंद बिस्सा? ऑप्शन डी, बाल मुकुंद बिस्सा। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? सागर मल गोपा, हीरा लाल शास्त्री, जय नारायण व्यास या माणिक्य लाल वर्मा? ऑप्शन ए, सागर मल गोपा। संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे? निम्बार्क संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय या राम स्नेही संप्रदाय? ऑप्शन सी, निरंजनी संप्रदाय। इनमें से कौन मांड गायन में सिद्ध हस्त नहीं है? अल्लाह जलाई भाई,
गबरी भाई, गुलाबो या बन्नो बेगम? ऑप्शन सी गुलाबो। ताड़ना और मोर बंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? सांसी, मीणा, भील या करासिया? ऑप्शन डी गरासिया। निम्न में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन बैराट, विराटनगर, माध्यमिका नगरी, नलियासर, सावर या रेड टोंक? ऑप्शन ए बैराट, विराटनगर। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर या अजमेर? ऑप्शन सी उदयपुर। बेली कृष्णन रुक्मणी री के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? विग्रहराज चतुर्थ, महाराणा कुंभा, अकबर या शाहजहां? ऑप्शन सी अकबर। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? टेराकोटा, ब्लू पोटरी, काष्ठ कला या थेवा कला? ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी ब्लू पोटरी। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? डूंगरपुर में, कोटा में, उदयपुर या भीलवाड़ा में? ऑप्शन सी उदयपुर। कर्नल टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? आबू पर्वतमाला, काली खोह पर्वतमाला, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी या काली घाट घाटी पर्वतमाला? ऑप्शन बी काली खोह पर्वतमाला। बड़ोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तोरमाड़, मिहिरकुल, भोज परमार या भोज प्रतिहार? ऑप्शन बी मिहिरकुल। एलाना देड़ी आपड़ी हाल रिया हुलराए पूत सिकावे पालड़े मरड़ बढ़ाई माहे। उपर्युक्त तो पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? वंश भास्कर, वीर सत्सही, कानड़ देव प्रबंध या पृथ्वीराज रासो? ऑप्शन बी वीर सत्सही। सम्मिलित कीजिए एक तरफ लोक देवता, दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान दे रखा है, जैसे गोगा जी का संबंध ददरेवा से, बाबू जी का संबंध कोहू, अड़बू जी का संबंध भूडोल
और फत्ता जी का संबंध सांतू से? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। कौन सा पशु मेला सही सुमेलित नहीं है? चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, गोगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, या रामदेव पशु मेला नागौर? ऑप्शन सी, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर। दोस्तों ये प्रश्न पिछली भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछा गया और आने आने वाले एग्जाम में भी इस प्रश्न के आने की संभावना है। दोस्तों ये प्रश्न हूबहू एग्जाम पर ऑप्शन यही है इसके साथ ही पूछा गया है, ऑप्शन भी चेंज इसमें नहीं किए गए। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? ऑप्शन भावभट्ट, लोचन, हृदय नारायण देव या पुंडरिक विट्ठल? ऑप्शन ए भावभट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? पहला, कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। सेकंड, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले। ऑप्शन तीन, कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टी टोरी ने की, या प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले? ऑप्शन डी, प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य कालीबंगा में नहीं मिले हैं। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है संत रामचरण जी, कवि दुर्लभ जी, संत चरणदास जी या संत रज्जब जी? ऑप्शन बी, कवि दुर्लभ जी। कनफटे जोगी, डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? जीण माता, नागडेची माता, शीतला माता या सकराय माता? ऑप्शन ए, जीण माता। मेवाड़ राज्य राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? काका, गेटोर, महासत्य या बड़ा बाग? ऑप्शन सी, महासत्य। निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरिक वंश ने शासन किया? ऑप्शन बदनोर, बयाना, अलवर या अजमेर? ऑप्शन बी, बयाना। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य और स्थान सुमेलित नहीं है? नौटंकी, भरतपुर धौलपुर, तमाशा जयपुर से, तुर्रा कलंगी मारवाड़, रम्मत बीकानेर जैसलमेर? ऑप्शन सी, तुर्रा कलंगी मारवाड़। ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं सिर पर, कलाई पर, कानों में या पैरों में? ऑप्शन सी, कानों में।
महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? 1580, 1576, 1582 या 1585? 1585। आवानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित हैं? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल सिसोदिया या राठौड़? ऑप्शन ए, गुर्जर प्रतिहार। हम्बीरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा? जोधराज, चंद्रशेखर, दलपत या केशव देव? ऑप्शन बी, चंद्रशेखर। निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, बयाना का युद्ध, मावली का युद्ध? पहले सारंगपुर का युद्ध हुआ, उसके बाद गागरोन का युद्ध, उसके बाद बयाना का युद्ध, फिर मावली का युद्ध होता है। तो ऑप्शन बी होगा, 2, 1, 3, 4। रातानाड़ा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है जोधपुर को, कोटा को, बीकानेर या उदयपुर को? ऑप्शन ए, जोधपुर को। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था, जैसलमेर, धौलपुर, टोंक या बाड़मेर? ऑप्शन बी, धौलपुर। बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? 1989, 1992, 1996 या 1999? ऑप्शन डी, 1999। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? बनास बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन या साबरमती बेसिन? ऑप्शन ए, बनास बेसिन। कथन ए, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। कथन आर, सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन कर पाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, ए कथन सही है लेकिन आर गलत है। राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है? पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी या पूर्वी? ऑप्शन ए, पश्चिमी। कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? डोलोमाइट, बाजला कावरा, फिलोराइट, मांडो की पाल, सीसा और जस्ता, रामपुरा अंगूचा, रॉक फॉस्फेट, बारोडिया?
ऑप्शन डी रॉक फास्फेट, बारोडिया, आकल काष्ट, जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बूंदी, पाली या राजसमंद? ऑप्शन ए जैसलमेर। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? समदड़ी बाड़मेर, रामसर अजमेर, थुम्बली गांव बाड़मेर या सेवाड़ा जालौर? ऑप्शन सी थुम्बली गांव बाड़मेर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BW HW, BS HW, CW या AW? ऑप्शन डी AW। राजस्थान में किस वृक्ष से कत्ता निकाला जाता है? खेजड़ी, पलास, खैर या दोख? ऑप्शन सी खैर। निम्नलिखित में से कौन सा नदी और संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? दाई अजमेर, बाणगंगा जयपुर, कांकड़े जैसलमेर, बात्रक बांसवाड़ा? ऑप्शन डी बात्रक बांसवाड़ा। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं अर्धशुष्क, हाड़ौती पठार, माही बेसिन या पूर्वी मैदान? ऑप्शन बी हाड़ौती पठार। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले उनका अवरोही क्रम बताइए। पहला जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ऑप्शन बी जयपुर, जोधपुर, नागौर, अलवर। ऑप्शन सी जोधपुर, जयपुर, अलवर, नागौर या ऑप्शन डी अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर? ऑप्शन ए जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? बीकानेर, जालौर, जैसलमेर या बाड़मेर? ऑप्शन डी बाड़मेर। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 1977, 1980, 1967 या 1992? उन्नीस सौ सड़सठ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या विपक्ष का नेता? ऑप्शन ए राज्यपाल। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए पंचायत अनुसूची क्षेत्रों में
विस्तार पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ? ऑप्शन बी पेशा अधिनियम दिलीप सिंह बूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। ऑप्शन सी पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। ऑप्शन डी इस अधिनियम का एक उद्देश्य है जनजातीय समुदाय की परंपराओं और रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना। ऑप्शन सी पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 1947, 1949, 1951 या 1955? उन्नीस सौ उनचास। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे। कांता कुमारी भटनागर, गोपाल कृष्ण व्यास, सैयद सगीर अहमद, नागेंद्र कुमार जैन। ऑप्शन सी सैयद सगीर अहमद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं। ऑप्शन बी राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। ऑप्शन सी कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। ऑप्शन डी राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उपमंत्री नहीं है। ऑप्शन बी राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया? 29 अगस्त 1949, 28 जनवरी 1950, 27 मार्च 1951 या 28 जनवरी 1952? ऑप्शन ए 29 अगस्त 1949। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख है, 243 एस बाढ़ समितियों का गठन और संरचना, 243 जेड ई महानगर योजना समिति का गठन, 243 जेड सी जिला योजना समिति का गठन। ऑप्शन डी 243 जेड सी जिला योजना समिति का गठन। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL और राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? ऑप्शन ए 72% या 28%, ऑप्शन बी 68%, 32%, ऑप्शन सी 56%, 44%, ऑप्शन डी 74% और 26%। ऑप्शन डी 74% HPCL और 26% राजस्थान सरकार का होता है। पंचायती राज के किस स्तर पर एक सातिन का चयन महिला विकास कार्यों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? जिला परिषद, पंचायत समिति,
ब्लॉक स्तर या ग्राम पंचायत? ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। भूजल प्रबंध के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया? भरतपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। ऑप्शन बी जोधपुर। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं बारा, जालौर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बांसवाड़ा, पाली और सिरोही, बारा, कोटा, झालावाड़। ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी। राजस्थान खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या उदयपुर में? ऑप्शन बी जयपुर। निम्नलिखित में से किन्हें पर्वन बृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? बूंदी, कोटा और बारा जिलों के 535 गांवों को, झालावाड़, बारा और कोटा जिलों के 637 गांवों को, झालावाड़, बूंदी और कोटा जिलों के 637 गांव, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा जिलों के 535 गांवों को। ऑप्शन बी झालावाड़, बारा और कोटा जिलों के 637 गांवों को।